दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। अगर आपसे मैं पूछूं कि आज राजस्थान का हृदय क्या है? आज राजस्थान का हृदय किसे बोलेंगे आप? तो जयपुर को क्यों बोलेंगे? जयपुर बीच में थोड़ी है। प्राचीन समय में ये माना जाता था कि किसी व्यक्ति को मृत्यु कब डिक्लेयर की जाएगी। डॉक्टर मृत्यु डिक्लेयर करेगा तो किस आधार पे करेगा? मृत्यु की भी तो कोई परिभाषा होती होगी। तो पहले ये मानते थे कि जिसका दिमाग काम करना बंद कर दे उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देता था, ये नियम था। तो कुछ ऐसे केस आए कि जैसे व्यक्ति कोमा में चला गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, व्यक्ति जिंदा है, डॉक्टर बेचारा कैसे लिख दे भाई वो सल्ट गयो। तब नियम ये बनाया गया कि अगर व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर दे तो उसे मृत घोषित कर दिया जाए। सारे शरीर को चला कौन रहा है? आपका एक्सीडेंट में पैर कट जाए, हाथ कट जाए, आप नहीं मरोगे, सही हो जाओ, लेकिन अगर फिड़कलो वो बंद हो गए नहीं, कहानी गई, कहानी खत्म। पूरे शरीर के पैरालाइसिस हो जाए, वो अगर चल रही है तो जीवता हो। यानी पूरे शरीर को कौन चला रहा है? पूरे शरीर को हार्ट चला रहा है। हमारा पूरा राजस्थान पहले चलता था अजमेर से। आप देखो अंग्रेजों का कार्यालय कहां था? अजमेर में हुआ था। आजादी से पहले एकमात्र जगह जिसकी विधानसभा थी, ये एग्जाम में प्रश्न आया था, एकीकरण से पूर्व एकमात्र रियासत जिसके विधानसभा अपनी विधानसभा थी, जिसे दारासभा बोलते थे। जैसे मान लो कि आज आप भीलवाड़ा से हो, भीलवाड़ा में कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप कहां फोन करोगे? एक्सीडेंट होते ही एम्बुलेंस कितने नंबर? 108। आपने 108 पे कॉल किया, वो कॉल कहां जाता है आपको पता है? वो 108 का कॉल सीधा जयपुर आएगा। यहां से आपको पूछेंगे, आप कहोगे सर एक्सीडेंट हो गया भीलवाड़ा, वो आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन सी जगह है, आप कहोगे इस हाईवे पे इस जगह, वो तुरंत वहां से देखेंगे नजदीक का हॉस्पिटल कौन सा है, वहां से वो कॉल जाएगा नजदीक के हॉस्पिटल में, वहां से एम्बुलेंस आएगी। जैसे आप मुलम कोई लड़ाई होगी, थाने में फोन करने की जरूरत ही नहीं, तहसील पर फोन करोगा 100 पर, वो आपके थाने में कॉल नहीं जाता है, वो कॉल जयपुर आता है, वो पूछेंगे कौन सा थाना लागे था रहे थे को का मारा, वो थाना लागे, फिर वो फोन जाएगा थाने में, वहां से कहेंगे वहां जाइए, वहां ये घटना हो गई। अगर आपने 100 पर कॉल किया है तो पुलिस वालों को आना ही पड़ेगा, आपने सीधा थाने में फोन कर दिया ना, गड़ाई कर दिया थे कहा मेरे थप्पड़ मारे वाले, कोई नहीं आज आके देख लिया हमारे थप्पड़ दो। अगर आपने 100 पर कॉल कर दिया तो नियम ये है कि पुलिस वालों को आना ही पड़ेगा, पूरी इनकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, एक एक रिपोर्ट के आज ये आए, हम ये गए, हमने ये कार्रवाई की। इसका मतलब सारे कॉल आ कहां रहे, तो फिर राजस्थान चल कहां से रहा है, पहले कहां से चलता था? मान लो पाकिस्तान हमारे ऊपर परमाणु बम गिरे, कहां गिरेगा? मारली चूरू पर तो गिरेगा नहीं, कोणों की ज्यादा से ज्यादा जन आनी होगी। अगर वो भारत पे परमाणु बम गिरेगा तो उसने 4 मिसाइल तैनात कर रखी है, सही सेटल करके अक्षांश और देशांतर, एक तो दिल्ली पर, एक मुंबई पर, एक कलकत्ता पर, एक चेन्नई पर। हमने भी तैनात कर रखी है लाहौर, इस्लामाबाद, करांची, इन पे हमने भी तान रखी है कि जब थे बटन दबाऊंगा मैं भी इन 4 शहरों पर बटन दबाऊ, क्योंकि अगर दिल्ली पे परमाणु बम गिरा तो भारत एक साथ ही टूट जाएगा, क्योंकि हमारे नेता वहीं बैठे हुए, सेना के अधिकारी वहीं बैठे हुए, पूरा भारत दिल्ली से चल रहा है। तो भारत का हृदय क्या है? दिल्ली। पहले राजस्थान का हृदय क्या था? अजमेर था। वर्तमान में राजस्थान का हृदय हम बोल सकते किसको? जयपुर को। राजपुताने की कुंजी, राजस्थान नाम तो अब पड़ा है, पहले इसका नाम था राजपुताना। कुंजी को क्या मतलब? चाबी तो है मनी भी रहे, कुंजी क्यों बोले बताओ?